नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक 35 वर्षीय युवती जो कि प्राइवेट बैंक में कार्य करती है, उसके साथ शादी का झांसा देकर नितिन साहू नाम के युवक के द्वारा एक साल तक बलात्कार किया गया। वहीं जब युवती ने शादी की बात युवक से की तो युवक मुकर गया, जिसके बाद युवती सदमे में आ गई, जिसके बाद अपने परिवार के साथ युवती ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। युवती की शिकायत पर आधारताल थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में आरोपी युवक नितिन साहू से पुलिस पूछताछ रही है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए आधारताल थाना एसआई उषा विश्वकर्मा ने बताया कि यूपी की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक नितिन साहू को गिरफ्तार किया गया है। वहीं युवक द्वारा पिछले एक साल से शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। शादी के लिए युवक से बात की तो युवक मुकर गया, जिसके बाद परिजनों के साथ युवती थाने पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। पीड़िता द्वारा दिनांक 29/11/22 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी नितिन साहू, पिता काशी प्रसाद साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी न्यू शोभापुर मरघटाई के सामने भरपुरा थाना रांझी के द्वारा 1/4/22 से लेकर 25/11/22 तक शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता द्वारा जब शादी के लिए बोला गया तो आरोपी द्वारा शादी करने से इनकार किया, जिस पर अपराध कायम कर धारा 376, 376(2)(n), 342 का अपराध कायम किया गया। आरोपी नितिन साहू को गिरफ्तार कर JR पर न्यायालय पेश किया गया। अपना नाम? मैं सब इंस्पेक्टर उषा विश्वकर्मा, थाना आधारताल, जबलपुर। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।